हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बॉटनी का जो है क्वेश्चन पेपर। तो मिड टर्म का एग्ज़ाम आपको पता ही है 25 नंबर का होता है, जिसमें से 10 नंबर जो है टेस्ट के ऊपर, 10 नंबर असाइनमेंट के ऊपर और 5 नंबर जो है आपके डिसिप्लिन के ऊपर मिलता है। टोटल इस तरह 25 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम पेपर देखेंगे बॉटनी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ ऊपर के साइड में आपको रोल नंबर लिखना रहता है, फिर नेम, फादर्स नेम और इन्विजिलेटर का साइन यहाँ पे आपको रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। तो चलते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत के 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिए, थोड़ी देर बाद हमको आंसर भी बताएंगे इनके। 9वां 10, ठीक है। रिक्सिया कैलिप्ट्रा डेवलप्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी है। अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं, द डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, डिप्लॉयड इसका जो सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और स्टील विदाउट सेंट्रल इथ इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटो स्टील। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हॉस्टेरिया आर सकिंग रूट्स आर फाउंड इन, यानी इसमें बताना है सकिंग रूट्स किस में पाया जाता है। तो कॉस्क्यूटा में पाया जाता है, कॉस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जिसमें हॉस्टेरिया और सकिंग रूट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कोकोनट इडिबल पार्ट इज, तो कोकोनट नारियल का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, एंडोस्पर्म को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर राइपनिंग द फ्रूट बिकम सॉफ्ट एंड पल्पी ड्यू टू, तो फल पकने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, पल्पी हो जाता है, उसका रीजन क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल इज द इडिबल पार्ट ऑफ, तो एरिल किसका एडिबल पार्ट होता है, तो लीची का एरिल पार्ट हम लोग खाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। लास्ट क्वेश्चन है, स्पोर इन टेरिडोफाइट्स आर, तो टेरिडोफाइट के स्पोर क्या होते हैं, तो हैप्लोइड होते हैं यानी एन होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो इस तरह इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए इसके।